नमस्कार मैं डॉक्टर संजय जैन एसोसिएट प्रोफेसर गणित में सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पर अपना अगला लेक्चर देने जा रहा हूँ पूर्व वाले लेक्चर में हमने कर के नेचर के बारे में और उदाहरणों में द्वारा ये स्पष्ट किया था कि हम कैसे ए बी सी एफ जी एच की वैली फाइंड आउट करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सबशूट करके कर्व की नेचर बता सकते हैं आज हम जो कर्व हमको दिए होते हैं उनके और आगे के बारे में जानेंगे कि कैसे उनकी आ, अक्षों की लंबाइयाँ चूँकि कर्व हम यहाँ पे श्यांकॉ पढ़ रहे हैं जो येफ्ट हो सकता है एप्बोलाइड हो सकते हैं और ये इनके अक्षों की लंबाइयाँ क्या होगी उत्केंद्रता क्या होगा नाभिया शीर्ष नियताएँ ये सब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आज हम उससे आगे बात करेंगे यहाँ अक्षों की लंबाई अक्षों का समीकरण उत्केंद्रता, असेंसिटी नाभी फॉकी शीर्ष नियता इत्यादि हम ज्ञात करेंगे लेट सपोज हमें एक कोनोकोड हमको जो शांकप दिया हुआ है वो बहुत सिंपल ले रहे हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज टू वन इसके हमको अक्षों की लंबाइयाँ समीकरण उत्केन्द्रता नाभियाँ शीर्षनीयता है, है ये सब फाइंड आउट करना है कैसे कर सकते हैं अगर हमें ए एच और बी की वैल्यू पता होगी तो हम इसमें सब चुट करके सीधे ये सब निकाल सकते हैं वरना एक जनरल केस में हम यहाँ निकाल रहे हैं ये डेरिवेशन हम यहाँ करना चाह रहे हैं दिया हुआ समीकरण हमने ले लिया क्लियर है ये कि शांक का केंद्र का मूल बिंदु ज़ीरो जीरो है क्योंकि जीरो जीरो रखने पर इसमें एक्स वाई की टर्म है ये आठ जाएगी और मूल बिंदु जीरो जीरो है इसका क्योंकि हमारे पास सेपरेट टर्म नहीं है ठीक है इसके बाद आर त्रिज्या वाले कोई भी के संकेंद्रीय व्रत का समीकरण पोलर सिस्टम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजल टू आर स्क्वायर होता है ठीक है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर को यहाँ सब च्यूट कर रहे हैं वापस पहले वाली इक्वेशन जो ओरिजिनल हमको कर की दी हुई है शंक की और किस तरह से रख रहे हैं जो ये वन दिया हुआ है हमने एरो लगा रहे हैं इस वन की जगह अगर मैं आर स्क्वायर का भाग इसमें संकेन्द्रीय व्रत के समीकरण में दोनों तरफ दे दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर वन आ जाएगा उस वन की जगह हम ये है समीकरण रख देंगे और ये रख के बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो ऐसा करके हम करना क्या चाह रहे हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट एक तरफ ला रहे हैं वाई स्क्वायर के एक तरफ लाए और एक्स वाई बन गया यहाँ आप देख रहे हो अब यह समीकरण जो बना है नया ए माइनस वन बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बी माइनस वन बाई आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आर का इन्वॉल्वमेंट आ गया है इसमें ठीक है अब यह चूंकि होमोजीनियस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई यही जो हमको इक्वेशन दे रखी थी वहाँ एक की जगह ए वन माइनस आर स्क्वायर हो गया और बी की जगह बी माइनस वन बाई आर स्क्वायर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक होमोजीनियस समीकरण है और इसका मतलब इसके जो केंद्र से गुजरने वाली दो रेखाओं को ये निरूपित करेगा दो रूट आएंगे उनको रखेंगे जब हम वापस इसमें तो दो रेखाएं बनेंगी तो ये दो रेखाओं को निरूपित करेगा ये तो इसका कर का नेचर हमको जो यहाँ से मिल रहा है और इसमें कई चीजें हैं आर जो हमने इन्वॉल्व किया उस पर डिपेंड करेंगी तो ये जनरल इक्वेशन हमने डेराइव किया और ये समीकरण हमारे आगे काम में आएगा ठीक है नेक्स्ट हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ एक्सिस अक्षों की लंबाइयां अक्षों की लंबाइयों में हम क्या कर रहे हैं जो पिछला वाला इक्वेशन था तीन जो मैंने कहा भी था हमारे वापस काम में आएगा ये जो नीचे हमने क्वाड्रेटिक होमोजीनियस था इसी को हम वापस ले रहे हैं यहाँ पे तीन द्वारा निरूपित दोनों रेखाएं संगामी होंगी कब होंगी संगामी यदि केवल यदि व्रत की त्रिज्या शांकव की किसी भी अर्धाक्ष के समान हो तो ये बराबर हो जाएंगी संगामी हो जाएंगी तो हम इसके वो निकाल के आ, संगामी रेखाओं का शांकों का अर्धक्ष और व्रत की त्रिजा को बराबर कर देते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर दो संयोगी रेखाओं को जो प्रतिबंध लगता है वही होगा एच स्क्वायर बराबर ए बी ए की जगह हमारे पास है ए माइनस वन बाई आर स्क्वायर और बी की जगह बी माइनस वन बाई आर स्क्वायर पिछले समीकरण में तो यहाँ पे हमने ये रख दिया और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारी समीकरण जो है वन बाई आर फोर माइनस वन बाई आर स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर इज टू जीरो बनता है यानी कि यह समीकरण जो है आपकी वन बाई आर स्क्वायर में द्विघात समीकरण है ठीक है और वन बाई आर स्क्वायर में द्विघात समीकरण तो इसके दो रूट आपको मिलेंगे वो हमने मान लिया वो दो रूट वन बाई आर वन का स्क्वायर है और वन बाई आर टू का स्क्वायर है मान लिया दो रूट क्योंकि वन बाई आर फोर से हम लेके चल रहे हैं ठीक है जो श्यांकव के अक्षों की लंबाइया के इससे जो द्विघात समीकरण बनेगी इसके जो रूट आएंगे आर वन आर टू तो शंकव के अक्षों की लंबाइयाँ कितनी हो जाएगी टू आर वन और टू आर टू होगी वन बाई आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर वन बाई आर टू स्क्वायर इसके रूट है जब आप इसको रख के देखोगे तो ये बनेगी हमारी अक्षों की लंबाइयाँ टू आर वन एंड टू आर टू होगी तो ये अक्षों की लंबाइयाँ गई अब अपने क्वेश्चन में ए बी सी एफ जी एच और ये आर की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट अक्षों की लंबाइयाँ बता सकते हैं अब इसमें दो केसेस होंगी केसेस में डिफाइन कर रहे हैं हम दो पहला केस जो दो हम रूट निकाल रहे हैं वन बाई आर स्क्वायर वाले अगर वो दोनों रूट धनात्मक आ जाए पॉजिटिव हो ठीक है तो इस स्थिति में श्यांकव एक जो हमारा मेन इक्वेशन है श्यांकव का एक नंबर का वो दीर्घवत होगा दीर्घवत होगा तो आर होगा तथा आर का बड़ा मान दीर्घ करेगा और जो लघु मान है वो लघु अक्ष को निरूपित करेगा उसकी लंबाई के समान होगा दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष ओके लेकिन वन बाई आर स्क्वायर का जो रूट आप निकालते हैं दूसरा केस जब वन बाय आर स्क्वायर होगा एक मान धनात्मक हो और एक मान ऋणात्मक हो तब ऐसी स्थिति में जो श्यामक एक है वो अति पर वलय को निरूपित करेगा वन बाई आर वन स्क्वायर अगर जीरो से बड़ा है तो आर वन अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष होगा की लंबाई देगा और अगर छोटा होता है वन बाई आर टू स्क्वायर लेस देन जीरो है तो आर टू अर्ध संयुग्मी अक्ष की लंबाई को देगा तो ये हमारी सेमी मेजर और ट्रांसवर्सल एक्सेज को मिल जाएंगी इससे ठीक है ये डिपेंड करेगा वन बाई आर स्क्वायर के रूट की कंडीशंस पे ठीक है इसके बाद हम ले रहे हैं अक्षों के समीकरण निकालने के लिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं अक्षों के समीकरण निकालने के लिए जो हमारी इक्वेशन तीन थी उसको एक बार पुनः ए माइनस वन बाई आर स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने से क्या होगा जब हम ए वन माइनस आर स्क्वायर से गुणा कर रहे हैं तो ये जो समीकरण है हमारा ए माइनस वन बाई आर स्क्वायर में होल स्क्वायर बनता है थोड़ा रिडेक्ट होके ये कैलकुलेशन आपको यहाँ दिखा रखी है पहले हमने ए माइनस वन बाई आर का होल स्क्वायर हो जाता है ए माइनस वन बाई आर पहले होता है एक ए माइनस वन बाई आर से गुणा कर रहे हैं और ए बी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लगा रहे हैं और उससे हमें जो फाइनल इक्वेशन मिल रही है छः नंबर पे ए माइनस वन बाई आर का आ, ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस एच वाई का होल स्क्वायर बराबर जीरो किसी का स्क्वायर जीरो के बराबर है तो क्वांटिटी खुद इट्स जीरो के बराबर होनी चाहिए तो उससे हमें मिल रहा है ए माइनस वन बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई इजल टू जीरो क्लियर यहाँ भी ये आर में क्वाड्रेटिक है तो आर वन और आर टू के मान यहाँ पे जब हम सब्सट्यूट कर देंगे तो इससे हमें अक्षों के समीकरण प्राप्त हो जाएंगे जैसे जैसे आप एक बार आर वन रखोगे इसमें तो एक अक्ष मिलेगा एक बार आर टू रखोगे तो दूसरा अक्ष मिलेगा तो ये हमको अक्षों के समीकरण यहाँ से हम निकाल सकते हैं तो आज हमने अक्षों की लंबाई लेंथ ऑफ एक्सिस कैसे निकालेंगे और जब रूट की पोजिशन क्या क्या होंगी तब और अक्षों की लंबाई कैसे निकालते हैं ये वाला काम किया और अब हम आ रहे हैं उत्केंद्रता कर्व की अगर हमें उत्केन्द्रता निकालनी है इस दिए हुए कर्व के लिए तो हमने देखा जो ये समीकरण 6 है जो अभी हमने एक्सेज के इक्वेशन में पढ़ा था ये द्विघात समीकरण है आर में तो इसके दो रूट आर वन स्क्वायर जो जो रूट निकलेंगे उनको हम अर्धों की लंबाइयाँ हमारी आर वन और आर टू होंगी ठीक है तो पहला केस ले रहे हैं हम जब आर वन और आर टू का स्क्वायर है दोनों ही धनात्मक हो दो केस होंगे यहाँ पे धनात्मक हो या धनात्मक और ऋणात्मक हो ठीक है तो दोनों ही धनात्मक हो जब पहला केस इस स्थिति में जब दोनों धनात्मक होते तो हैं, हम पहले भी देख चुके हैं कि शंकव कैसा होता है एक दीर्घवत को निरूपित करेगा अगर ये आर वन आर टू से बड़ा है या आर टू आर वन से बड़ा है उस समय है। शांकव की जो उत्केंद्रता होगी वो इससे फॉर्मूले से दी जाएगी आर टू का स्क्वायर बराबर आर वन का स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर अगर आर वन बड़ा है आर टू से तो आर टू स्क्वायर बराबर आर वन स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर इसमें आर वन आर टू रख के हम ई e की वैल्यू निकाल सकते हैं सेकेंड केस और ई e को सेपरेट्स भी सॉल्व किया है इसमें जिससे ई e की वैल्यू आ रही है आपकी अंडर रूट वन माइनस आर टू अपन आर वन का होल स्क्वायर अंडर रूट में ठीक है सेकेंड केस ले रहे हैं हम जब आर वन तो धनात्मक हो और आर टू ऋणात्मक हो इस स्थिति में हमारा श्यामकव जो है वो अति प्रलय बनाता है और उसकी उत्केंद्रता के लिए वही आर टू स्क्वायर इज टू आर वन स्क्वायर इन टू ई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगी के केस में वन माइनस ई स्क्वायर हो रही थी यहाँ पर ई स्क्वायर माइनस वन हो जाएगी इसलिए जो फॉर्मूला ई e स्क्वायर के लिए आप सॉल्व करोगे वो आएगा ई स्क्वायर इज टू वन प्लस आर टू का स्क्वायर अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस में आ रहा है जबकि इलेक्ट्रिक के केस में वो नेगेटिव आ रहा था तो ई e बराबर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस आर टू अपॉन आर वन का होल स्क्वायर तो ये आज हमने एक्सेज की लंबाई एक्सेज का समीकरण उत्केन्द्रता निकालने का तरीका किसी भी शंकों के लिए सीखा है ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद नेक्स्ट अंड पे हम